हेलो फैमिली, आज हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आए हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना रिवॉर्ड पॉइंट ऐड करवाने के लिए। सबको हम लोग दिखाएंगे कैसे स्टफ रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड में अपना रिवॉर्ड पॉइंट कैसे ऐड किया जाता है। हम एक कस्टमर का ऐड करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ये रहे एक कस्टमर जो डीजल फ्यूलिंग कर रहे हैं। वो उसके बाद वो अपने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कार्ड में कैसे रिवॉर्ड पॉइंट ऐड करेंगे उसका प्रोसेस दिखाते हैं। ये देख लीजिए, हम पहले ले लेते हैं ICICI का कार्ड मशीन, जिसमें पॉइंट कैसे ऐड करेंगे वो दिखाएंगे। पहले देख लीजिए अमाउंट कितना है, 2000 का फिलिंग किए हैं। तो उससे को ऐड करने के लिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं उनका कार्ड में कितना बैलेंस बचा हुआ है, लास्ट बैलेंस क्या है। सबमिट करेंगे, फ़ोन नंबर डालने के बाद इसमें दिखा रहा है 86 रुपीज़ कुछ पैसा दिया हुआ है उनका कार्ड में, आगे से रजिस्टर। फिर 2000 को जो है ऐड सिलेक्ट करके पे करेंगे। पे में जाते ही वहाँ पे नंबर शो कर जाएगा ऑटोमेटिक, और कैश को सिलेक्ट करेंगे। पॉपअप में जो दिया हुआ रहेगा तो कैश को सिलेक्ट करके पे करेंगे। बहुत ईजी प्रोसेस है। ये देखिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब होम पेज में जाएंगे, होम पेज में जो पॉपअप आएगा फिर से करके दिखाते हैं। ये देखिए, जो पॉपअप आ रहा है कस्टमर डिटेल्स, उसमें फिर से उनका फिर से वही नंबर डाल देंगे जो नंबर उनका नंबर है बैलेंस चेक करने के लिए। ये देखिए, अभी 94 रुपीज़ उनका शो कर रहा है, मतलब लगभग 9 रुपये करीबन उनके कार्ड में ऐड हुआ है। तो ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट ऐड किया जाता है, आप देख सकते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे रिडीम किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हम लोग को मैसेज कर रहे हैं मेरे वीडियो में, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं ज़रूर आपको कैसे इसको रिडीम किया जाता है वो भी बताऊंगा। थैंक यू फैमिली वॉचिंग माय वीडियो।